गाइस, क्या हालचाल। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर हैं मैं और पापा, और हम लोग जा रहे हैं अभी एक छोटी सी ट्रिप के लिए, लोकल ट्रिप, अपने कुछ खास रिलेटिव से मिलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे, रेडी हो चुके हैं, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। डेफिनेटली ब्लॉग बहुत ही अच्छा होगा, और आई होप आपको पिछली रायपुर की जो भी सीरीज़ थी वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नहीं देखी तो जा करके ज़रूर देखना, मैं यहाँ पर लिंक ऊपर दे दूंगा आई बटन पे, आप जा करके ज़रूर देखना। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो अदर वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, अच्छे लगे तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए आज के इस ब्लॉग को कंटिन्यू करें। तो गाइस अभी आ चुके हैं बाहर, और हम लोग रुके हैं पेट्रोल पम्प पर और ले रहे हैं डीजल, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधे, और जैसा भी होगा मज़ा आएगा, चलते हैं। तो गाइज़ अभी थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है और हम लोग यहाँ रुक गए थे, और एक्चुअल में पापा को कुछ सामान भी लेना था, तो पापा गए हैं अभी नीचे उतर के, और हम लोग जा रहे हैं पापा के जो बड़े भाई हैं यानी कि जो मेरे ताऊ हैं उनके घर पे, वो रहते हैं फरीदाबाद में। तो हम लोग फरीदाबाद जा रहे हैं और उनके फैमिली से मिलेंगे और वहाँ पर इंजॉय करेंगे, और उसके बाद पापा को थोड़े दिन में जाना भी है, तो इसलिए आज हम लोग वहीं जा रहे हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर ही, कहीं आसपास में ही उनका घर है, तो मैंने उनको फ़ोन कर दिया ताऊ को। तो काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो जाए, तो अभी वो आते हैं फिर उनके साथ में ही जाएंगे, वेट कर रहे हैं फिलहाल उनका। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ताऊ के घर, और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और मैं सबसे आपको मिलवाता हूँ यहाँ पर कौन कौन है, तभी इंट्रोड्यूस करा। इधर बैठे हैं पापा, उन्हें आप जानते हैं, और ये जो मेरा छोटा भाई है उसकी बेटी है। क्या नाम है बेटा आपका? शर्लिन। अच्छा, ये शर्लिन है, और ये है शाइनी, और वो है हमारी ताई, और वो रहे ताऊ, और ये रही मुस्कान। अभी आए हैं हम लोग, और मेरे छोटे भाई की जो शादी की एल्बम थी अभी वो सारा कुछ हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो उसके भी थोड़े से ग्लिम्स आपको दिखाता हूँ। ये 4-5 साल पहले शादी हुई थी, तो वो दिखाता हूँ मैं, कौन है मेरे छोटे भाई। गरीब हो, दादा के पास पैसे नहीं है? फाइनली हम लोग ताऊ के यहाँ से घर पे आ गए थे, आपने देखा था रास्ते में, रास्ते के ग्लिम्स मैंने आपसे शेयर किए थे, और अभी एक सरप्राइज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये रही मुस्कान, और है ताऊ, और वो रहे पापा। तो एक्चुअल में ये सारे हमारे पास ही अभी स्टे करेंगे, क्योंकि कल है पापा का बर्थडे, तो उसको हम सारे मिल करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहीं स्टे करने वाले हैं। तो आज के इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा, आगे और भी बहुत कुछ है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए। अभी हो रहा है डिनर, खाने में है रायता, और ये है पनीर की सब्जी, और गर्मा गर्म रोटियां। और गाइज इसी ब्लॉग में हम आगे पापा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर देंगे, फिर बाकी का फुल ब्लॉग जो होगा बर्थडे वाला वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। और अभी क्या क्या हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, कि हमने कैसा केक मंगाया, क्या है। केक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि हम लोग ताऊ के यहाँ गए थे, तो
तो मुझे मौका नहीं लग पाया पापा के लिए कुछ भी शॉपिंग करने का और केक लेने जाने का। और फिर हम लोग जब यहाँ पे आए तो शाम हो चुकी थी, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, जोमेटो से मैंने केक मंगवा लिया था और केक अभी रखा है फ्रिज के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम रात को उसको 12 बजे कट करेंगे और फिर सबका रिएक्शन भी देखेंगे कैसा रहता है। तो मज़ेदार होगा ब्लॉग और मज़ा आ रहा है आपको। अगर कुछ भी अच्छा लग रहा है इस ब्लॉग में तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि कहाँ रखा है हमारा केक। यहाँ पर है हमारा केक, केक निकाल के हमने रेडी कर लिया और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फरेरो रोशर वाला और अच्छा लग रहा ना, आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। तो अभी इसको लेके जाएंगे और थोड़ी देर में कट करेंगे। फाइनली लग चुका है यहाँ पर केक और बर्थडे बॉय जो है वो बीच में है, वो कट करने जा रहे हैं। हम सारे यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो अब कट करते हैं केक और एंजॉय करते हैं। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, ब्लेस यू डियर पापा। वाह भाई वाह, हाँ आगे पीछे चल रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड रात को हम लोगों ने केक वगैरह कट किया था और केक वगैरह खाया सबने, मैंने नहीं खाया बट सबने खाया। तो आज के इस ब्लॉग को हम इसी नोट पे एंड करते हैं, टुडे इज पापाज बर्थडे। और क्योंकि अगर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लॉग है, तो आज हम फ्रेश ब्लॉग बनाएंगे और जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड पापा के लिए रहेगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ गए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, चलते हैं, बाय।